और दोनों केस में MACD अबाउट जीरो लाइन। तो सबसे पहले जो ब्यूटी है ना MACD की बाइंग की, वो अगर वो नीचे नहीं आके ऊपर की ऊपर ही है और वहीं से लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पहले डार्क ग्रीन फिर लाइट ग्रीन फिर डार्क ग्रीन होती है, वो बहुत अच्छी ब्यूटी है। इसके बाद उसी से मिलती जुलती RSI अबाउट 50 आ गई, राइट, यहाँ पे RSI इज अबाउट 50। लेकिन इतने से भी मैं काम नहीं करती, क्योंकि साथ में मुझे क्या चाहिए, प्राइस एक्शन। फ्रेंड्स, RSI प्लस MACD, ये दोनों के कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। बट एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इंडिकेटर हो, ऑसिलेटर हो, कुछ भी चीज हो, अल्टीमेट जो है मार्केट में वो है प्राइस। प्राइस एक्शन, जिसे हम लोग रिंग टाइम से कहते थे भाव भगवान छे या भाव भगवान है या प्राइस इज गॉड। तो प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। खाली ये जो है सपोर्टिव हो जाते हैं कि हम दो तीन इंडिकेटर का मिक्स ले लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कभी कभी एक ऐसा रहता है कि भाई ये मैच होता है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे RSI और MACD दोनों का यूज़ करूँगी। तो RSI जो मेरा बेसिक है 14, वो यूज़ करूँगी। MACD जो डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ करूँगी। मैं कोई भी पैरामीटर्स चेंज नहीं करती। अब उसमें कैसे करते हैं, क्या मैं देखती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने एक चार्ट ओपन किया। इस चार्ट में मैंने सबसे पहले RSI लगाया और फिर MACD लगाया। तो ये MACD भी लगा लिया और RSI भी लगा लिया। मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन ही यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अपने अलर्ट्स क्रिएट कर सकूँ और मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है सब चीज़ें। तो सबसे पहला जब मैं बाइंग देखती हूँ तो उसमें मुझे MACD जो है ना, ये सारे हिस्टोग्राम्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर के चाहिए, और अगर डार्क ग्रीन हो तो बेस्ट है। दूसरी, आपने ये MACD की जो लाइन देख रहे हैं आप, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये दो मूविंग एवरेज को लेके बनाया गया है। ये पूरे कोर्स को इन डिटेल में मैंने upsurge.club में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में कवर किया है। ये तो मैं उसमें से एक छोटा सा पार्ट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ फिर से समझा रही हूँ। तो ये भी जीरो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये जो मेन लाइन है बीच में जो डिवाइड करती है रेड और ग्रीन को, ये जीरो लाइन है। तो ये जो जीरो लाइन के ऊपर रहेगा तो बाय सिग्नल है। सिग्नल कह रही हूँ अभी मैं, बाय ट्रेड नहीं दे रही हूँ, सेल सिग्नल है। तो ये जो दो चीज हम देखते हैं, इसके साथ में मुझे RSI जो है ना वो अबाव 50 चाहिए। RSI अबाव 50, इतना तो मेरा मिनिमम होना ही होना चाहिए अगर ये मैं दो का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। लेकिन सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से मैं कुछ नहीं करूँगी। यही चार्ट में मैं आपको दो अलग तरीके से समझाऊंगी, एक RSI अबाव 70, एक RSI अबाव 50, और दोनों केस में MACD अबाव जीरो लाइन। तो सबसे पहले जो ब्यूटी है ना MACD की बाइंग की, वो अगर वो नीचे नहीं आके ऊपर की ऊपर ही है और वहीं से लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पहले डार्क ग्रीन फिर लाइट ग्रीन फिर डार्क ग्रीन होती है, वो बहुत अच्छी ब्यूटी है। इसके बाद उसी से मिलती जुलती RSI अबाव 50 आ गई, राइट, यहाँ पे RSI इज अबाव 50। लेकिन इतने से भी मैं काम नहीं करती, क्योंकि साथ में मुझे क्या चाहिए, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में अगर प्राइस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, सिर्फ ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी। बट ये मेरे कॉन्फिडेंस के काम आते हैं। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ही सिखा सकते हैं। upsurge.club का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, विच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट 499। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये प्रीवियस स्विंग हाई है, स्विंग हाई से हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पर ये मुझे बाइंग की उतनी अच्छी मज़ेदार चीज़ नहीं दे रहा है. वाई? बिकॉज प्राइस इज फ्लैट. अब इस फ्लैट प्राइस में RSI ऊपर जा सकता है, MACD भी ऊपर जा सकती है, स्पीड मिलेगी, आई डोंट नो, क्योंकि प्राइस ने अभी तक बोला नहीं है मुझे कि भाई मैं रेडी हूँ चलने के लिए. तो मैं इस यहाँ का वेट करूँगी, और जब यहाँ पे आया तो हो सकता है RSI 70 के ऊपर आ गया हो, और MACD भी ग्रीन में है, एग्रीड. अब लिया किसको मैंने पहला प्राइस एक्शन, साथ में मुझे किसने कॉन्फिडेंस दिया, RSI और MACD. उसके बाद का जो मूव और स्पीड है वो देखने लायक है. ये जो चीज़ चाहिए, अगर यहाँ पे मैं ले लूँ और इतने दिन तक मार्केट साइडवेज रह जाए तो हमें कैसा लगेगा. हम सबकी एक इच्छा होती है कि जब भी हम बाय करें मार्केट ऊपर भाग जाए, जब भी हम शॉर्ट करें मार्केट नीचे फटाफट चला जाए. पेशेंस नहीं होता हमें. तो थोड़ा बहुत हेल्प हमें यहाँ पे मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं करती. तो यहाँ पर अब जब तक RSI वापस 70 के नीचे नहीं आ जाता, या MACD की लाइन जीरो के नीचे, हिस्टोग्राम छोड़ दो, लाइन जो है ये हिस्टोग्राम आया ना रेड, ये खाली ये बता रहा है कि थोड़ी सी बाइंग कमज़ोर है, हल्की सी सेलिंग है. तो ये हल्की सी सेलिंग दिख रही है, लेकिन सिग्नल लाइन जो है ना वो जीरो के नीचे नहीं आई है, और यहीं से वापस जो वो ऊपर घूमी है और फिर RSI वापस 70 के ऊपर. अब ये जो ऊपर की ऊपर घूम जाती है विथ RSI अबव 70, और फिर वापस से जब ये मुझे ये ब्रेकआउट देगा, देखिए अगर मैंने यहीं पे ले लिया होता इसके कहने पे तो मुझे इतने दिन तक इंतज़ार करना पड़ता. यहाँ पे जब मेरा प्राइस एक्शन ने ब्रेकआउट दिया, इसके बाद की स्पीड देखिए आप, मज़ा आ गया. सेम वे अब यहाँ पे भी देखिए ग्रीन स्टार्ट हो गया, और अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ग्रीन स्टार्ट हो गया, डार्क ग्रीन स्टार्ट हो गया, RSI इज अबव 50. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है, पैटर्न में ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं लूंगी. तो क्या जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया और ये विथ ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम आ गया, कैन आई टेक अ ट्रेड नाउ एंड देन सी द स्पीड, यहाँ तक की स्पीड और यहाँ की स्पीड. तो अल्टीमेट एक्शन जो है वो प्राइस है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ये हमें सपोर्टिव करती है. यही अब मैं चार्ट पे डायरेक्टली आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली ड्रॉ करके. और यहाँ देखिए ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, 77 का ओपन है, 76.80 का लो है. तो ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, और वहीं पे मुझे RSI में भी ब्रेकआउट आ गया. इज इट अबव 50? यस इट इज अबव 50. प्लस यहाँ पे इज इट अबव जीरो लाइन? यस इट इज अबव जीरो लाइन. सब चीज मेरे फेवर में, कैन आई टेक अ ट्रेड. अब यहाँ का जो मूवमेंट है और जो मैंने इतनी एरिया में मूवमेंट देखा, भले 50 के ऊपर है सब कुछ है, लेकिन ये जो पेशेंस टेस्ट करने वाली चीज है ये हम लोगों में बहुत कम पाई जाती है, या बहुत कम लोगों में पाई जाती है कि इतना वाला पेशेंस वो टेस्ट कर सके, होल्ड कर सके. सब चाहते हैं कि हमें मिलने के बाद यही तुरंत से मिले. ये रहा एक एग्जाम्पल, और एक दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ. ये देखिए अब ये दूसरा स्टॉक है. सबसे पहले RSI अबव 50, यस RSI इज अबव 50. क्या MACD इज अबव 0? यस MACD इज अबव 0 लाइन. सब हमारे फेवर में है. अब क्या देखना है हमें, प्राइस एक्शन. तो क्या हम प्राइस एक्शन देखें? बिल्कुल. लेकिन प्राइस एक्शन हमें मिला कहाँ पे है? हम ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम ये भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट पे एग्जैक्टली मिलेगा, ये भी हम कर सकते हैं. ओपन और लो पास में नहीं है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आता है. वापस यहाँ पे आए, यहाँ पे ओपन और लो एक 2 रुपये का फ़र्क है अभी भी. और यहाँ पे अब मैं यहाँ लेती हूँ. जहाँ तक मेरी बात करें तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेना पसंद करूँगी, मुझे वो मंजूर है. लेकिन ये लिया, अब यहाँ पे ओपन और लो सेम है ऑलमोस्ट, और उसके साथ में सारे मेरे पैरामीटर्स MACD के मैच हो रहे हैं, RSI के भी मैच हो रहे हैं, RSI 65 सब मैच हो रहा है. और जो स्पीड मुझे यहाँ से मिली है
वो अलग ही लेवल की स्पीड मिलती है। तो ये जो है स्पीडी ट्रेड्स निकालने का एक और तरीका, बट ध्यान रहे एक्शन कहाँ लेना है, एक्शन आरएसआई और एमएससीडी पे नहीं लेना है, वो सिर्फ आपके कंफर्मेशन के लिए है, एक्शन हमेशा प्राइस पे लिया जाता है। और वैसे ही अगर मान लो मुझे सेल ढूंढना है तो क्या देखना है, आरएसआई शुड बी बिलो 50, एमएससीडी विल बी बिलो द जीरो लाइन विथ रेड हिस्टोग्राम्स, और फॉलिंग यस प्राइस गिरनी चाहिए, ब्रेकडाउन देना चाहिए विथ ओपन हाई। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड, मजा आया होगा एक छोटी सी ट्रिक देखने में कि एमएससीडी और आरएसआई को हम मिक्स करके कैसे यूज करते हैं। थैंक यू।